हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर आपको बहुत ही सिंपलीफाइड वे में मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है मानव और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे दिए हुए हैं। ये वीडियो न केवल स्टूडेंट्स बल्कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आखिर इसमें हम समझने क्या वाले हैं? इसमें हम देखने वाले हैं कि बदलते वक्त के साथ साथ नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब कैसे बदला, उसके कॉन्टेक्स्ट कैसे बदल गए। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं, उनके सोर्सेज क्या थे, कैसे नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स बनकर आए, कैसे रीजन्स में एम्पायर इस्टेब्लिश हुए, और पुराने और नए रिलीजन्स के बारे में क्या क्या चेंजेस हमें देखने के। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन में आपको अभी एक मैप दिखाई दे रहा होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है। ये एक मैप है जो कि एक अरेबियन ज्योग्राफर अल अदरीसी ने बनाया था। ये उनके वर्ल्ड मैप की इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक कटिंग है। उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें मैप नंबर 2 पर, वहाँ पर आपको एक और मैप दिखाई देगा जो कि एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। कार्टोग्राफर ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि मैप्स बनाते हैं। आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों के दोनों मैप एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। यहाँ पर अल अदरीसी का जो मैप है, उनके मैप में सदर्न पार्ट नॉर्थ में दिखाई दे रहा है और जो नॉर्थ में दिखने वाला पार्ट था वो साउथ में दिखाई दे रहा है। अल अदरीसी के मैप में आपको सारी की सारी जगह मेंशन मिलेगी अरेबिक लैंग्वेज में। आप वहाँ पर इंडिया की कुछ फेमस प्लेसेस का नाम भी देख सकते हैं, जैसे कि कन्नौज। अब हम बात करते हैं मैप नंबर 2 की। ये वाला मैप एक फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा लगभग 600 साल बाद बनाया गया। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं ये वाला मैप काफ़ी एक्यूरेट है आज के मैप से, और यही एक वो मैप है जो कि उस वक्त यूरोपियन सेलर्स के द्वारा यूज किया जाता था। जब भी वो अपने वॉयजेज में जाते थे, जब भी वो सेलिंग करते थे, इसी मैप को यूज़ करते थे, क्योंकि इस वक्त तक जो लोग थे वो कोस्टल एरिया से काफ़ी फेमिलियर हो चुके थे। उस वक्त लोगों को पता ही नहीं होता था कि कोस्टल एरियाज़ होते हैं या कुछ समंदर भी होता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वो लोग इस सबसे फेमिलियर होते चले। तो दोस्तों, यहाँ से आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि कैसे कार्टोग्राफी समय के बदलने के साथ साथ चेंज होती चली गई। जब भी हम हिस्टोरियंस की बात करते हैं तो वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए, मैप्स को पढ़ने के लिए, और अलग अलग टेक्स्ट जिन्हें वो रीड करते हैं उन्हें लेकर उन्हें ये डेटा बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ गैदर करना होता है, ताकि आगे चलकर पढ़ रहे स्टूडेंट्स को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। इसका मतलब ये है कि कैसे एक टर्मिनोलॉजी का मतलब अलग अलग पीरियड्स ऑफ टाइम में चेंज होता चला गया। अगर हम बात करते हैं आज के पर्शियन लैंग्वेज की, तो वो मेडिवल पर्शियन से एकदम हटकर है। अगर हम बहुत ही डाउन टू ग्राउंड एग्जांपल देखें तो हमारी जो आज की हिंदी भाषा है, ये पहले यूज़ नहीं होती थी, पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी, लेकिन आज हिंदी बोली जाती है। उसी तरह से पहले जो मेडिवल पर्शियन थी वो अलग थी, और आज की मॉडर्न पर्शियन एकदम अलग है। और ये मतलब ये डिफरेंस एक दूसरे के साथ केवल ग्रामर और वोकेबलरी में बस नहीं है, ये एक एक वर्ड्स के साथ, एक एक वर्ड के साथ ओवर द टाइम चेंज होता चला जाता है। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि कैसे एक शब्द का मतलब वक्त के साथ साथ बदलता जा सकता है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं और यूज़ करते हैं हिंदुस्तान वर्ड को। अगर हम आज के दिन हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नेशन स्टेट का आइडिया आता है कि हम एक साथ रह रहे हैं और इसमें इंडिया का हर एक पार्ट इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर हम 13 सेंचुरी में वापस जाएं और वहाँ बात करें एक पर्शियन व्यक्ति की, एक पर्शियन क्रॉनिकलर की। क्रॉनिकलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इवेंट्स को सिक्वेंशली टाइम के हिसाब से बताता है। ये व्यक्ति है मिन्हाज ए सिराज। इनके हिसाब से अगर हम देखें तो ये बात करते थे उस रीजन की जो पंजाब और हरियाणा के आसपास है, उस एरिया की जो गंगा और यमुना नदी के बीच में आता है। और अगर इसी को पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से समझें तो ये वही एरिया था जहाँ पर दिल्ली के सुल्तान रूल किया करते थे। इसमें साउथ इंडिया एक्सक्लूडेड होता था, इसमें
उसके बारे में बात नहीं होती थी, मतलब साउथ इंडिया के बारे में बात नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, 16 सेंचुरी आई, बाबर ने जब इस हिंदुस्तान शब्द को यूज़ किया तो ये डिस्क्राइब करते थे इंडिया की ज्योग्राफी को, फौना को, फौना मतलब सारे के सारे लिविंग बीइंग्स, और उसके साथ साथ यहाँ का कल्चर, ये सब के बारे में बात करते थे। अब यहाँ अगर हम देखें अमीर खुसरो को, तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह से इस आइडेंटिटी को यूज़ किया था। अब हम जब भी बोलते हैं हिंदुस्तान, तो जब भी हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो हमारे दिमाग में हमारा कल्चर भी आता है, हमारा पॉलिटिकल सेंस भी आता है, और हमारे यहाँ की नेशनैलिटी भी आती है। लेकिन जब भी हम इंडिया की बात कर रहे होते तो हमें केवल एक ज्योग्राफिकल एरिया दिखाई देता है जहाँ पर इंडिया के स्टेट्स हैं, इसमें हमें कोई कल्चर या पॉलिटिकल सेंस नज़र नहीं आता। तो यही एक बेहतरीन एग्जांपल था कि कैसे एक शब्द का मतलब वक्त के साथ साथ बदलता चला जाता है। फ्रेंड्स, हिस्टोरियंस को किसी भी टर्म को यूज़ करने से पहले बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता था, क्योंकि उससे सारे के सारे मीनिंग्स भी चेंज हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, फॉरेनर। अगर हम आज बात करते हैं टर्म फॉरेनर के बारे में, तो हमें समझ आता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया से बाहर का है वो फॉरेनर होगा। बट मेडिवल पीरियड में फॉरेनर्स उन्हें समझा जाता था जो उस गांव से रिलेटेड नहीं होता था, मतलब एक गांव से बाहर का व्यक्ति फॉरेनर कहलाता था। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस सोसाइटी या कल्चर का नहीं है उसे परदेसी कहा जाता था हिंदी में, या पर्शियन में अजनबी कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि शहर से शहर घूमने वाले व्यक्ति को भी एक फॉरेनर कहा जा सकता था। लेकिन ऐसे कोई भी दो किसान या ऐसे कोई भी दो व्यक्ति जो एक गांव में रहते हैं, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं हो सकते थे, चाहे उनके रिलीजियस या कास्ट बैकग्राउंड्स डिफरेंट। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्सेज की स्टडी करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। एग्जांपल के लिए क्लास सिक्स्थ में हमने गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन तक पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर हम 700 AD से लेकर 750 AD तक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक बात नोटिस करनी होगी, यहाँ कंटिन्यूटी तो थी लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं थी। हिस्टोरियंस को रिलाई करना पड़ा उस समय पर मिले कॉइन्स पर, इंस्क्रिप्शंस पर, आर्किटेक्चर पर और टेक्सुअल रिकॉर्ड पर। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो कि किसी पत्थर या मेटल में राजा के द्वारा परमानेंटली लिखवा दिए जाते हैं। यहाँ पर एक कंसीडरेबल डिसकंटिन्यूटी थी, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपको हर एक साल की इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी। यहाँ पर सेंचुरीज की इंफॉर्मेशन गैदर होती थी, हमें यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिलती थी वो सेंचुरीज की होती थी, ईयर्स की नहीं होती थी। और इसी बेसिस पर, इन्हीं कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर के बेसिस पर हिस्टोरियंस हमें इंफॉर्मेशन देते रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर टेक्सुअल रिकॉर्ड्स बढ़ते चले गए और हमारी इंफॉर्मेशन भी बढ़ती चली गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन इजीली इसलिए मिलने लग गई थी क्योंकि यहाँ पर पेपर इंट्रोड्यूस हो चुका था। यहाँ पर लोगों ने सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। ये एविडेंस होली टेक्स्ट होते थे, रूलर्स के बारे में जानकारी होती थी, उस वक्त क्या लेटर लेके जाते थे, टीचिंग्स क्या होती थी हमारे सेंट्स की, उस वक्त क्या पिटीशंस होती थी, क्या जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे, हर एक चीज़, इवन टैक्स और अकाउंट भी उस वक्त हम देख सकते थे। जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी ये कलेक्ट कर ली जाती थी उस वक्त के रिच पीपल के द्वारा, जो रूलर्स होते थे वो, या फिर मोनास्ट्रीज या टेंपल्स में इन्हें स्टोर कर रख दिया जाता था। इन्हें लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रखा जाता था। आर्काइव्स, इसे समझते हैं ये क्या है। अगर हमारे पास हर तरीके की बुक्स, साइंस, मैथ्स, हर सारा कलेक्शन अगर हमारे पास है तो ये लाइब्रेरी होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें सारी बुक्स या सारे टेक्स्ट हिस्ट्री के होंगे तो इसे आर्काइव कहा जाएगा। यहीं से हमें इन मैन्युस्क्रिप्ट से बहुत सी जानकारी मिलना शुरू हो गई। मैन्युस्क्रिप्ट, ये वो पीस ऑफ पेपर या पीस ऑफ लीव होते हैं जहाँ पर हैंड रिटन एविडेंसेस होते हैं। ये
काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं उस वक्त के बारे में, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि इन्हें इजीली कॉपी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो इनकी कॉपी के लिए स्क्राइब्स बनाए जाते थे। स्क्राइब्स मतलब उसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को दूसरे पेपर्स पर लिखा जाता था, या पेपर्स की अवेलेबिलिटी ना हो तो उस वक्त की जो नेचुरल लीव्स में लिखा जाता था उन पर उसकी कॉपी की जाती थी। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम थी कि इसे आप इजीली कॉपी नहीं कर सकते थे। कैसे? मान लीजिए ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है आपकी डेली लाइफ का। अगर आपने कल कोई होमवर्क मिस किया तो आप अपने एक फ्रेंड की कॉपी लाएंगे, फिर उसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप किसी एक वर्ड में बीच में फंस गए तो उसे आप गैस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लिखा क्या है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सही गैस करें। तो उसी वजह से जो स्क्राइब्स होते थे इधर उधर की मिस्टेक्स ये कर जाते थे, और धीरे धीरे आगे चल कर इन मैन्युस्क्रिप्ट्स का मीनिंग चेंज हो। इसी हिसाब से मैन्युस्क्रिप्ट्स की अलग अलग स्क्राइब्स बनती थी। अब यहाँ पर कई बार ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स या तो खो जाती थी या ख़राब हो जाती थी। तो हिस्टोरियंस को ओरिजिनल डेटा गैदर करने के लिए, ऑथर के ओरिजिनल थॉट्स को समझने के लिए अलग अलग स्क्राइब्स को बार बार पढ़ना पड़ता था। यहाँ पर जो ऑथर्स होते थे कई बार वो क्रॉनिकल्स लिखते थे, और उनके खुद के क्रॉनिकल्स एक दूसरे से अलग होते थे। क्रॉनिकल्स यानी जो इवेंट्स थे उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समय अनुसार लिखना, तो वो भी अलग अलग होते थे। ज़ियाउद्दीन बारनी, इन्होंने सबसे पहला क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, और एक लिखा था उसके 2 साल बाद। लेकिन ये बात हिस्टोरियंस को पता ही नहीं थी। कब तक पता नहीं चली? जब तक 1960 में उनका पहला वेरिएंट प्राप्त नहीं हुआ, और उनका जब पहला वेरिएंट मिला तब जाकर पता चला कि उन्होंने 2 क्रॉनिकल्स लिखे थे। पहला क्रॉनिकल बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में खो चुका था। नाउ वी आर गोइंग टू रीड न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस 700 AD से लेके 750 AD तक काफ़ी चेंजेस आए थे। इसी वजह से हिस्टोरियंस को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, या यूँ कहें उनकी स्टडी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, क्योंकि यही वो पीरियड है जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए, जहाँ पर बहुत सारे इनोवेशंस हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए। उनमें से कुछ खास चेंजेस हैं पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील का यूज़ होना, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट मतलब लड़ाई में अब पुराने बो एंड एरो यूज़ नहीं होते थे, फायर आर्म्स होते थे मतलब बंदूक तोप, इस तरह की चीज़ें यूज़ में आ चुकी थी। कुछ नए तरीके के खाने, कुछ बेवरेजेस हमारे इंडिया में आ चुके थे, जैसे पोटैटोस, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। अगर आप ये सोचते हैं और अभी तक आपको ये पता नहीं था कि पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी और कॉफ़ी बाहर से आई है, तो आज जान लीजिए। एग्जांपल के लिए चिली हमारे इंडिया में लेकर आए थे पुर्तगीज़। ये सारे के सारे इनोवेशन, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज, ये सारे क्रॉप्स उन्हीं लोगों के साथ आते थे जो भारत में विज़िट करते थे बाहर से आकर। ये सारे चैलेंजेस और ये सारे चेंजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, 6 और 7 में, आपको और इन डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगे। इस पीरियड में काफ़ी मोबिलिटी भी देखने मिली। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल, यहाँ पर मोबिलिटी से मूवमेंट ऑफ पीपल का मतलब है लोग बहुत दूर दूर से काफ़ी डिस्टेंस कवर करके भारत में आया करते थे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। इसी तरह धीरे धीरे हमारे भारत में काफ़ी वेल्थ बढ़ती चली गई और लोग अपना अपना लक यहाँ पर आजमाने लगे। इसी वक्त एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्रुप बनकर निकला जिन्हें हम आज राजपूत के नाम से जानते हैं। राजपूत शब्द राजपुत्र शब्द से निकाला गया है। राजपुत्र का मतलब होता है एक रूलर का बेटा, इसे ही हम राजपूत कहते हैं। 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में ये एक ऐसा ग्रुप बना जिसे क्षत्रिय कहते थे। क्षत्रिय का मतलब होता था वॉरियर्स। ये वॉरियर्स केवल रूलर्स और चीफटेंस नहीं होते थे, बल्कि इसमें सोल्जर्स, कमांडर और ऐसे वो सारे लोग होते थे जो आर्मीज़ को सर्व करते थे। चीफटेंस को ऑफ काइंड ऑफ कैप्टन कह सकते हैं। इनके शेवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वेलर और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते थे राजपूत के पोएट्स और बार्ड्स। कहने का मतलब ये है कि शेवलरिक कोड मतलब इनके पराक्रम का, एक्सट्रीम वेलर मतलब इनकी बहादुरी का, और इनकी लॉयल्टी का जो बखान है, जो इनका गुणगान है, वो राजपूत के पोएट्स
किया करते थे। इसी तरह कुछ और ग्रुप ऑफ पीपल्स भी इस वक्त इमर्ज हुआ, जैसे मराठास, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। अभी आपको याद होगा हमने स्क्राइब्स के बारे में पढ़ा था, जो लोग उन स्क्राइब्स को बनाते थे उन्हें कायस्थ कहा जाता था। वक्त के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई। अब लोगों ने यहाँ पर फॉरेस्ट को साफ करना शुरू कर दिया था, डिफॉरेस्टेशन होने लगा था और एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट होता जा रहा था। और इसी वजह से जो वहाँ जो जंगलों में लोग रहते थे उनका हैबिटेट बदल रहा था, तो उन्हें भी माइग्रेट होना पड़ा। कुछ लोगों ने इस जगह पर, इन क्लियर किए फॉरेस्ट पर, इस ज़मीन पर खेती करना शुरू किया और वो किसान पड़ गए। और किसानों का ग्रुप धीरे धीरे इम्पोर्टेंट बनता चला गया और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होने लगे रीजनल मार्केट से, चीफटन से, प्रीस्ट से, मोनास्ट्री से और टेम्पल से। धीरे धीरे वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बन गए, जहाँ उन्हें टैक्सेस देने होते थे, लोकल लॉर्ड्स को गुड्स और सर्विसेज देनी होती थी। एज अ रिजल्ट वहाँ पर उन लोगों के बीच, मतलब वो पीसेंट्स और जो दूसरे ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ के लोग हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ने लगे। अब आगे चलकर क्या होता है कि जो पीसेंट्स थे उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास कुछ कैटल्स थे और उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती थी। इसी वजह से धीरे धीरे लोग और ज़्यादा डिफरेंशिएट होते चले गए और इन्हें जातीज में डिवाइड कर दिया गया, और जातीज को हम सबकास्ट कहते हैं। और ये रैंक किए जाते थे इनके बैकग्राउंड्स पर और इनके ऑक्यूपेशंस पर, इनके रैंक फिक्स नहीं होते थे। ये इनके पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज के हिसाब से वरी करते थे। कुछ जगहों पर जाति एरिया टू एरिया वरी करती थी, मतलब किसी एरिया में एक जाति का कुछ और मतलब होता था तो कहीं कुछ और होता था। जाति खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाते थे जिसे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स या उस जाति के मेंबर फॉलो करते थे। ये रेगुलेशंस बनाए जाते थे उस जाति के एल्डर लोगों के द्वारा, ये जाति पंचायत कहलाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन जाति को केवल जाति पंचायत के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना था, बल्कि उन्हें गांव के बनाए गए रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता था। कुछ गांव ऐसे होते थे जो चीफटन्स के द्वारा गवर्न किए जाते थे और इसी के साथ वो एक छोटा सा स्टेट कहलाने दोस्तों लग... मैंने सोचा था कि ये वीडियो इतने टाइम में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं। तो इसी वजह से इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का चैप्टर हम पार्ट टू में कवर करेंगे, ये है पार्ट वन। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हिस्ट्री के इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो हिस्ट्री बाय मानव सर्च कर सकते हैं।